नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के लिए की गई सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं गुरुवार को धरी रह गईं। कई जिलों में गोलीबारी, बमबारी, पथराव की घटनाएं सामने आईं। पत्रकारों और पुलिस के साथ भी मारपीट हुई। वीडियो में पुलिस के जवान अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। कुछ जिलों में कलेक्ट्रेट व तहसील परिसर में भी हिंसा हुई। उन्नाव, फर्रुखाबाद, सीतापुर, कन्नौज, बुलंदशहर समेत कई प्रदेश के ऐसे जिले थे जहां पर विवाद की खबरें सामने आती रहीं। नामांकन में हिंसक घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है। सपा का आरोप है कि सिद्धार्थनगर में ब्लॉक प्रमुख का पर्चा दाखिल करने के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे पर बीजेपी समर्थकों ने हमला कर दिया और उनसे पर्चा छीनने का प्रयास किया। पार्टी का आरोप है कि मंत्री सतीश द्विवेदी के इशारे पर पुलिस की मौजूदगी में ये घटना हुई। समाजवादी पार्टी का यह भी आरोप है कि हरदोई में भाजपा के इशारे पर ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष के उम्मीदवारों के नामांकन पत्र फाड़ दिए गए। पार्टी ने कहा कि आयोग खुद को शर्मसार होना बंद कराए, इसलिए क्योंकि पूरी चुनाव प्रक्रिया का मजाक बनाया जा रहा है। पार्टी ने भाजपा सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने के अपने आरोपों को दोबारा दोहराया है। समाजवादी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि झांसी के बड़गांव ब्लॉक में उसके प्रत्याशी को पर्चा भरने से रोका गया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि पुलिस प्रशासन के हाथों लोकतंत्र की हत्या पर आखिरी चुनाव आयोग कब तक खामोश रहेगा। दमन, अत्याचार और अहंकार का जवाब जनता जरूर देगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख की 826 सीटों पर गुरुवार को नामांकन हो रहा था। दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन की प्रक्रिया हुई। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि इस दौरान भाजपा ने कई जिलों में उनके प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया। इस दौरान विरोध करने पर सपा प्रत्याशियों की जमकर पिटाई करी गई। वीडियो में देखिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नामांकन की प्रक्रिया के दौरान हिंसक घटनाएं हुई। वहां भाजपा और सपा के समर्थकों के बीच जमकर विवाद हुआ। सीतापुर में तो बम फेंकने तक की घटनाओं की तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। संविधान की हत्या हो रही है। ये धज्जियां उड़ाई जा रही बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को। बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी ये जनता। ये लोकतंत्र में ये हमारे पर्चा फाड़े जा रहे हैं। ये बताइए, छाननी में, ये छाननी ब्लॉक में पर्चा फाड़ा गया और कई जगह पर्चे छीन लिए गए, कई जगह छीन लिए गए। ये लोकतंत्र में हत्या हो रहा है, ये लोकतंत्र में हत्या हो रही है। योगी राज में क्या हो रहा है? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पर्चे फाड़े गए, ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पर्चे फाड़े गए और ये बीजेपी के लोगों ने फाड़े हैं और ये पुलिस मूव कर सक बनी है, ये पुलिस मूव कर सक बनी है। लोकतंत्र में हत्या हो रही है, लोकतंत्र में हत्या हो रही है। चलो उठा इनका लेके जाओ। प्रधान
दीजिए रुको पूरा, ये देखिए अब दिखाई दे रहे बेटे, ये देखिए गाड़ी में भाभी बैठी हुई थी, खड़ा खड़ा ईटा चला रहे थे, ये देखिए भैया, ये देखिए पीछे देखिए चल चालू है करो ए बाहर हो जा बाहर 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 मार 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 आयोग के आदेशानुसार प्रदेश के 826 ब्लॉक में से 825 ब्लॉकों पे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हेतु आज से नामांकन शुरू हुआ है और कल तक नामांकन वापस लेने की तिथि है तथा 10 को इस संबंध में जहां भी आवश्यक होगा चुनाव कराए जाएंगे। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय स्तर से विस्तृत आदेश जारी किए गए थे जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि इन सभी नामांकन स्थलों पे असलहों का तथा किसी भी तरीके के शस्त्र का ले जाया जाना पूर्णतया प्रतिबंधित है और इसके अतिरिक्त और सभी जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वहां की जानी है, जैसे वो फायर टेंडर की हो या फिर वहां मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारियों की नियुक्तियों का हो, इसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में महिला पुलिस बल के लगाए जाने के भी निर्देश दिए गए थे। इसके अतिरिक्त वहाँ वीडियोग्राफी और ड्रोन के द्वारा भी फोटोग्राफी कराने के निर्देश जारी किए गए थे। आज 3 बजे तक 825 जहां पर नामांकन केंद्र थे वहां अगर कुछ जगहों को देखा जाए ऐसे 14 स्थान हैं जहां की कुछ गड़बड़ी की सूचना मिली है और सामान्यतया जो घटनाएं हुई हैं वो मतदान स्थल से दूर हुई हैं, जैसे आपसी मारपीट या पर्चा छीनने की बात हुई है, कहीं कहीं दो पक्षों के आमने सामने एक ही समय आ जाने के बाद भी वाद विवाद की बात आई है और सभी जगहों पे आवश्यक गुण और दोष के आधार पर अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश भी दिए गए हैं और जिन लोगों ने भी गड़बड़ियाँ की हैं उनके विरुद्ध आवश्यक और कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।